ओ नमो नमः प्रिय दर्शकों, ऑनलाइन कक्षाओं के इस क्रम में मैं आचार्य अंकुर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दर्शकों तथा विद्यार्थियों, मेरा जो आज का विषय है वह है उपसर्ग। कि उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे और इसके उदाहरणों को समझेंगे। तो आओ बच्चों प्रवेश करते हैं। उपसर्ग अर्थात जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो विशेष बात का ध्यान रखना है बच्चों कि उपसर्ग जो लगते हैं वह मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होते हैं वह बाद में लगते हैं, उस पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अभी जो उपसर्ग पे मैं आया हूं, तो ये मूल शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेंगे बच्चों कि सम और सार दो शब्द है हमारे पास, ठीक है। लेकिन सम एक क्या है हमारा, ये हमारा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और सार का मतलब होता है किसी चीज का कोई निचोड़ हो गया, क्या सार है, संक्षिप्तीकरण हो गया। लेकिन जब सार से पहले हमने सम लगा दिया तो बन गया संसार, दुनिया, संसार हो गया, अर्थ बदल गया ना। तो ये शब्द के प्रारंभ में लगकर ये अर्थ को चेंज कर देते हैं। अब जैसे संस्कृत भाषा में हमारे 22 उपसर्ग हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, इनको आप याद कर लेंगे, ये आपके काम आएंगे। छठी से दसवीं तक तो काम आते ही आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी परीक्षाएं होती है उसमें भी ये उपसर्ग आते हैं। तो ये है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग। अब देखो ना, वी और आंग ये दो उपसर्ग है ना, और इन्हीं से हमारा व्याकरण बना। व्याकरण जो शब्द बना ना, व्याकरण में देखो व आंग का या व्याकरण इकोयचयन, मतलब व्याकरण जो शब्द बना उसमें ये उपसर्ग आते हैं। चलो आगे, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, ठीक है जी। उत उद एक ही है, और अभि, प्रति, परि, उप, ठीक है। ये हमारे टोटल 22 उपसर्ग हो गए। इनमें से जो विशेष करके छोटी कक्षाओं बड़ी कक्षाओं को इनमें से आते ही आते हैं। तो बच्चों एक दो उदाहरण देख लो आप, जैसे कि सु जमा आगतम बराबर है स्वागतम, अति जमा उत्तम अत्युत्तम। देख लो इन शब्द, इनमें प्रारंभ में क्या हो गए, उपसर्ग लग गए, मूल शब्द में परिवर्तन हो गया। तो बच्चों अन्य जो उपसर्गों के उदाहरण है वह आप अपने संस्कृत व्याकरण से देख लेंगे और कर लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। राधे राधे।